मैं हूं अभिषेक बारेट और आप इस वक्त द विंडो पर मेरे साथ हमारा स्पेशल सेगमेंट किस्सा कहानी देख रहे हैं। अगर आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हों और आपके चहेते फिल्म स्टार की अनपेक्षित उपस्थिति आपको बगल की सीट पर मिल जाए तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन। एक आम फ्लाइट रनवे से उड़ान भर चुकी थी पर आप इस फ्लाइट को इस किस्से के अंत तक आम नहीं कह पाएंगे। फ्लाइट में बैठे लोगों को जब ये पता चला कि फ्लाइट में उनके साथ सुपरस्टार ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार भी सवार हैं तो अचानक हवा में एक तूफान सा खड़ा हो गया। लोग उन्हें करीब से देखना चाहते थे, वो उनके ऑटोग्राफ चाहते थे, उनसे बातें करना चाहते थे। खैरियत थी कि वो सेल्फी का जमाना नहीं था। ये बिल्कुल ठीक भी था क्योंकि देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार अचानक टेलीविजन से निकलकर आपकी बगल की सीट पर बैठा आपको मिल जाए तो ये आपको बदहवास कर सकता है। दिलीप कुमार भी सबको ऑटोग्राफ देने लगे, अपने चाहने वालों से बात करने लगे, पर इस पूरे माहौल में बार बार उनकी नज़र एक आदमी को देख रही थी जिसे उनकी उपस्थिति से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उस आदमी के हिसाब से कोई हंगामा नहीं बरपा था। दिलीप कुमार हैरान थे कि वो भारत के सबसे बड़े अभिनेता हैं और कोई उनसे मुंह फेरे बैठा एयरक्राफ्ट की खिड़की के पास कुछ कागजों में मशरूफ है। ये बात दिलीप कुमार को उस आदमी की नज़र में अपने मामूली होने का एहसास करवा रही थी। ये उस सिनेमाई गुरूर जो उनमें उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों ने भर दिया था उसे बेचैन कर रही थी। दिलीप जानना चाहते थे कि मैं दिलीप कुमार हूँ, हर कोई यहाँ मेरे ऑटोग्राफ चाहता है और कौन है जिसे मेरे यहाँ होने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। उनका इंसानी दम मचल उठा था अपनी तौहीन पर। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दी सब्सटेंस एंड दी शेडो में इस घटना को कुछ यूँ लिखा है, बात उन दिनों की है जब मैं अपने करियर के शिखर पर था। लगभग पूरा भारत मेरी शक्ल से वाकिफ था। एक बार मैं हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहा था, मेरी बगल में बैठे हुए व्यक्ति जो थोड़े बुज़ुर्ग थे वो सादा सिंपल पैंट शर्ट पहने थे और सामान्य परिवार के व्यक्ति लग रहे थे। वहाँ बैठे सारे लोगों की नज़र मुझ पर थी लेकिन वो व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो आराम से अखबार पढ़ रहा था और बार बार खिड़की से झांक कर देख रहा था। जब चाय का समय हुआ तो उसने चाय भी बहुत जल्दी पी ली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मैं उसकी तरफ देखकर थोड़ा हंसा, फिर वो भी हंसा। धीरे धीरे बात शुरू हुई। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप फिल्में देखते हैं? वो व्यक्ति बोला, हाँ पर कभी कभी, बहुत सालों पहले मैंने फिल्में देखी थी। मैंने बताया कि मैं फिल्मों ही में काम करता हूँ। वो व्यक्ति बोला, ओह बहुत अच्छा, आप क्या करते हैं फिल्मों में? मैंने कहा, मैं फिल्मों में एक एक्टर हूँ। इस बात पर भी उसने तारीफ की। वो बोला, वाह क्या बात है। मैंने उसे अभी तक अपना नाम नहीं बताया था लेकिन वो व्यक्ति अभी भी दूसरे लोगों की तरह मुझे नहीं देख रहा था। जब यात्रा समाप्त हुई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस व्यक्ति को अपने बारे में बताने के उद्देश्य से हाथ मिलाया और कहा, माय नेम इज दिलीप कुमार। उस व्यक्ति ने हंसते हुए मुझसे हाथ मिलाया और बोला, थैंक यू सर, आई एम GRD टाटा, आधुनिक भारत की औद्योगिक प्रगति के जनक जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। वही इंसान जिसने भारत में इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, एयरवेज और दूसरे उद्योगों को उनकी बुलंदियों पर पहुंचाया। GRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 में पेरिस में हुआ था। वो अपने पिता रतनजी दादा भाई टाटा और माता सुजैन ब्रियरे की दूसरी संतान थे। उनके पिता रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई थे। उनकी माँ फ्रांस की रहने वाली थी इसलिए उनका ज़्यादातर बचपन फ्रांस ही में बीता। फ्रांस के बाद मुंबई आकर उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से पढ़ाई के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। GRD टाटा भारत के पहले लाइसेंसधारी पायलट भी थे। उनसे पहले कोई भी भारतीय लाइसेंसधारी एयरक्राफ्ट पायलट नहीं था हिंदुस्तान में। GRD टाटा ने 1929 में सेना में जाने की चाहत में कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग ली। GRD टाटा ने ही भारत में सबसे पहले कमर्शियल विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। टाटा एयरलाइंस ही आगे चलकर 1946 में एयर इंडिया बनी। भारत में एयरलाइंस की शुरुआत करने की वजह से ही उन्हें
देश की विमान सेवा का पिता भी कहा जाता है। दिलीप साहब ने जीआरडी टाटा को अपना नाम बताया और जीआरडी टाटा ने उन्हें अपना नाम बताया। जैसे ही दिलीप कुमार को उनका नाम पता चला वो सन्न रह गए। दिलीप कुमार ने लिखा भी है, मैं सन्न रह गया। उस दिन एहसास हुआ कि आप कितने भी बड़े हों कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे भी बड़े बड़े लोग दुनिया में मौजूद हैं। किसी को कम मत आंकिए और हमेशा विनम्र बने रहिए। आज की कहानी अपने साथ में सभी के लिए प्रेरणा छोड़े जा रही है। लेकिन हम आपसे जो हमारी रोज़मर्रा की दरख्वास्त है, जो हम आपसे हमेशा करते हैं, वो करेंगे कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि कोई खबर, कोई किस्सा, कोई कहानी आपसे छूटे ना, सब आपको तय समय पर मिल जाया करें। अगर आप ये हमारी कहानी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक करिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले किस्से के साथ, अगली कहानी और खबर के साथ। तब तक शुक्रिया।